नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बहुत बड़ी खबर है आप सभी सभी लोगों के लिए। जिन लोगों ने मुख्य सेविका उत्तर प्रदेश के लिए एलिजिबल है, मुख्य सेविका की भर्ती आई हुई है। लगभग 2600 पदों पर आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़ा अवसर है। जो लोग PET 2021 क्वालिफाई किए हुए हैं उन सब के लिए बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है। और लगभग इसमें 2600 के करीब इसमें पद है और 15 गुना अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा। कुल मिलाकर 40,000 लोगों को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। मुख्य सेविका का जो भर्ती है उत्तर प्रदेश का, बहुत ही बड़ा पद है और बहुत ही बड़ा अवसर है बाकी सभी लोग के लिए। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इसका जो फॉर्म है 3 अगस्त से भरना शुरू हो जाएगा और आगे 20 दिन करीब भराएगा, तो आप लोग फील कर सकते हैं। लेकिन इसे फील कौन कर सकता है यह मैं आपको बता दूँ, कई सारी बाध्यताएं हैं जो मैं आपको बता दूं, इसको फील कौन कर सकता है। और इसीलिए इसमें कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है और बहुत ही सिक्योर भर्ती है इसमें। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसको फील वही लोग कर सकते हैं जो लोग PET 2021 दिए हों, PET 2021 जो लोग दिए हों और उनका नंबर जो है 0 से अधिक है, वह लोग फॉर्म भर सकते हैं। वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो महिलाओं, मतलब महिलाओं के लिए भर्ती है। सबसे पहले बात जानना, वही महिला फॉर्म भर सकती है, केवल महिला फार्म भर सकती है। और दूसरा, वही महिला फार्म भर सकती है जो PET 2021 दी हुई हो और उसका नंबर 0 से अधिक हो, उसकी जो एज हो वह 21 से 40 वर्ष हो। अब जो एज जो काउंट होगा 1 जुलाई 2022 से काउंट होगा, तो यह भी बाध्यता है। यह भी बाध्यता है कि उस वह जो हो जो महिला होनी चाहिए वह ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन में भी BA होना चाहिए, यह भी बाध्यता है। प्लस यह भी बाध्यता है कि जो महिला होनी चाहिए वह ग्रेजुएशन में उसका सोशियोलॉजी होना चाहिए, सोशियोलॉजी रहे या फिर होम साइंस रहे या फिर समाज कार्य रहे या फिर पुष्टाहार आदि रहे, बाल विकास में पुष्टाहार रहे। तो इन चारों सब्जेक्टों में से कोई एक सब्जेक्ट रखना चाहिए, तभी वो फॉर्म फिल कर सकती है। तो यह आप लोग जानते हैं। तो कुल मिलाकर सोशियोलॉजी और होम साइंस जो है थोड़ा कॉमन सब्जेक्ट है, लेकिन बाकी जो समाज कार्य है या पुष्टाहार है ये थोड़ा सा अनकॉमन है। तो आप समझ लीजिए कि तभी इसमें 5 से 6 ऐसी बाध्यताएँ हैं, तो आप समझ ही सकते हैं 5 से 6 ऐसी बाध्यताएँ हैं जिसकी वजह से इसमें कंपटीशन बहुत कम होने वाला है। और कुल मिलाकर 40,000 लोग मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे 15 गुना। तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आपका कोई भी कुछ भी PET 2021 पे कुछ भी नंबर है, जो लोग यह सभी एलिजिबिलिटी पूरा करते हैं वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। और उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो भी लोग फॉर्म भरेंगे वो मुख्य सेविका का जो मुख्य परीक्षा है वह लोग देने के लिए एलिजिबल रहेंगे, ऐसा उम्मीद है। क्योंकि इसमें आप जान ही रहे, मैं बताया ही हूँ कि कई सारी बाध्यताएँ हैं। पहली बात तो यह जो भर्ती है वह महिलाओं के लिए है, दूसरी उन्हीं महिलाओं के लिए है जो 21 से 40 साल की एज हो, उन्हीं महिलाओं के लिए है जो ग्रेजुएशन की हो, उन्हीं महिलाओं के लिए है जिनकी कम्बिनेशन हो, मतलब सोशियोलॉजी हो या फिर होम साइंस हो, और बाकी 2 सब्जेक्ट भी उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यही सारी बाध्यताएँ हैं जिसकी वजह से बहुत कम इसमें भीड़ होने वाली है। और वही महिला भर सकती है जो BA की हो, लेकिन कुछ लोग BSc होम साइंस भी होता है, तो BSc नहीं, सिर्फ और सिर्फ BA की हो वही महिला फार्म भर सकती है। और वही महिला फार्म भर सकती है जो PET 2021 दी हो, वही महिला फार्म भर सकती है जो 21 से 40 साल की एज को क्रॉस, 21 से 40 साल के बीच में हो, 1 जुलाई 2022 से इसका एज काउंट होगा। तो इसलिए आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कंपटीशन काफ़ी कम होने वाला है। और इसका जो पे स्केल है मैं आपको बता दूँ, इसका जो पे स्केल है 2700-2800 करीब है, 2600-2700 करीब है इसका पे स्केल। तो आप लोग समझ सकते हैं इसमें जो सैलरी मिलेगी मुख्य सेविका का वह 30,000 प्लस ही मिलेगी, 30,000 से अधिक ही मिलेगी, कम नहीं मिलेगी, और अच्छा पद है। और इस तरह से फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा मुख्य सेविका उत्तर प्रदेश की फॉर्म से संबंधित। और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई दुविधा हो, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।